दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 10 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें दिल्ली की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जबकि पंजाब की 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं यूपी की इलाहाबाद सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ इस बार कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को मौका मिला है, जबकि चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे। वहीं पंजाब की सीट पर खास करके जालंधर से जो एससी सीट है, वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को इस बार मैदान में उतारा है। अगर बात करें यूपी के इलाहाबाद सीट की, तो वहां से उज्जवल रेवती रमन को मौका दिया गया है, जो अभी हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस टिकट बंटवारे को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।